चिकनगुनिया रोग की संपूर्ण जानकारी। चिकनगुनिया क्या है, आइए जानें। चिकनगुनिया बुखार एक वायरस बुखार है जो एडीज मच्छर एजिप्टी के काटने के कारण होता है। चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण लगभग एक समान होते हैं। इस बुखार का नाम चिकनगुनिया स्वाहिली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा जो मुड़ जाता है, और यह रोग से होने वाले जोड़ों के दर्द के लक्षणों के परिणाम स्वरूप रोगी के झुके हुए शरीर को देखते हुए प्रचलित हुआ है। चिकनगुनिया से जोड़ों में दर्द होना। चिकनगुनिया में जोड़ों के दर्द के साथ बुखार आता है और त्वचा खुश्क हो जाती है। चिकनगुनिया सीधे मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। यह बुखार एक संक्रमित व्यक्ति को एडीज मच्छर के काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटने से फैलता है। चिकनगुनिया से पीड़ित गर्भवती महिला को अपने बच्चे को रोग देने का जोखिम होता है। चिकनगुनिया के लक्षण, उल्टी होना, 1 से 3 दिन तक बुखार के साथ जोड़ों में दर्द और सूजन होना, कपकपी और ठंड के साथ बुखार का अचानक बढ़ना, सरदर्द होना। चिकनगुनिया के कारण, मच्छरों का पनपना, रहने के स्थान के आसपास गंदगी का होना, पानी का जमाव। चिकनगुनिया एक तरह का वायरल बुखार है जो कि मच्छरों के कारण फैलता है। चिकनगुनिया अल्फा वायरस के कारण होता है जो मच्छरों के काटने के दौरान मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी और जी मचलाने के लक्षण उभर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में मसूड़ों और नाक से खून भी आ जाता है। मच्छर के काटने के लगभग 12 दिन में चिकनगुनिया के लक्षण उभरते हैं। चिकनगुनिया के उपचार के लिए बहुत से घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर चिकनगुनिया से खुद को बचाया जा सकता है, जैसे कि पपीते की पत्ती। पपीते की पत्ती न केवल डेंगू बल्कि चिकनगुनिया में भी उतनी ही प्रभावी है। बुखार में शरीर के प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं जिन्हें पपीते की पत्तियां तेजी से बढ़ाती हैं। मात्र 3 घंटे में पपीते की पत्तियां शरीर में रक्त के प्लेटलेट्स को बढ़ा देती हैं। उपचार के लिए पपीते की पत्तियों से डंठल को अलग कर लें और केवल पत्ती को पीसकर उसका जूस निकाल लें। 2 चम्मच जूस दिन में 3 बार लें। तुलसी और अजवाइन। तुलसी और अजवाइन भी चिकनगुनिया के उपचार के लिए बेहद अच्छी घरेलू औषधि हैं। उपचार के लिए अजवाइन, किशमिश, तुलसी और नीम की सूखी पत्तियां लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। इस पेय को बिना छाने दिन में 3 बार पिएं। लहसुन और सजवाइन की फली। लहसुन और सजवाइन की फली चिकनगुनिया के इलाज के लिए बहुत बढ़िया है। चिकनगुनिया में जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है, ऐसे में शरीर की मालिश किया जाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए किसी भी तेल में लहसुन और सजवाइन की फली मिलाकर तेल गर्म करें और इस तेल से रोगी की मालिश करें। लौंग। दर्द वाले जोड़ों पर लहसुन को पीसकर उसमें लौंग का तेल मिलाकर कपड़े की सहायता से जोड़ों पर बांध दें। इससे भी चिकनगुनिया के मरीजों को जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा और शरीर का तापमान भी नियंत्रित होगा। एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट की कुछ मात्रा गर्म पानी में डालकर उस पानी से नहाएं। इस पानी में नीम की पत्तियां भी मिलाएं। ऐसा करने से भी दर्द से राहत मिलेगी और तापमान नियंत्रित होगा। अंगूर। अंगूर को गाय के गुनगुने दूध के साथ पीने पर चिकनगुनिया के वायरस मरते हैं, लेकिन ध्यान रहे अंगूर बीज रहित हो। गाजर। कच्ची गाजर खाना भी चिकनगुनिया के उपचार में बेहद फायदेमंद है। यह रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही जोड़ों के दर्द से भी राहत देती है। चिकनगुनिया में बच्चों की देखभाल। बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चे नाजुक होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए बीमारी उन्हें जल्दी पकड़ लेती है। ऐसे में उनकी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें। बच्चे खुले में ज़्यादा रहते हैं,
इसलिए इन्फेक्शन होने और मच्छरों से काटे जाने का खतरा भी उन्हें ज़्यादा होता है। बच्चों को घर से बाहर पूरे कपड़े पहनाकर भेजें। मच्छरों के मौसम में बच्चों को निक्कर व टी शर्ट ना पहनाएं। रात में मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो, लगातार सोए जा रहा हो, बेचैन हो, उसे तेज बुखार हो, शरीर में रैशेस हो, उल्टी हो या इनमें से कोई भी लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। आमतौर पर छोटे बच्चों को बुखार होने पर उनके हाथ पांव तो ठंडे रहते हैं लेकिन माथा और पेट गर्म रहते हैं, इसलिए उनके पेट को छूकर और रेक्टल टेम्परेचर लेकर उनका बुखार चेक किया जाता है। बगल से तापमान लेना सही तरीका नहीं है, खासकर बच्चों में। अगर बगल से तापमान लेना ही है तो जो रीडिंग आए उसमें 1 डिग्री जोड़ दें, उसे ही सही रीडिंग माना जाएगा। लौंग और लहसुन का तेल। चिकनगुनिया के दौरान दर्द वाले जोड़ों पर लहसुन को पीसकर उसमें लौंग और तेल मिला लेना चाहिए। फिर इस पेस्ट को कपड़े की सहायता से जोड़ों पर बांधने से आराम मिलता है। इससे चिकनगुनिया के मरीजों को जोड़ों के दर्द में से आराम मिलता है। विटामिन सी अधिक लें। चिकनगुनिया के दौरान होने वाले दर्द को दूर करने के लिए विटामिन सी युक्त आहार अधिक लेना चाहिए। इस समय संतरा, कीवी, पपीता, विटामिन सी की गोलियां आदि खाने से काफ़ी आराम मिलता है। मसाज। प्राकृतिक तेलों से मसाज करने से भी चिकनगुनिया के दर्द में राहत मिलती है। दर्द वाली जगह पर हल्के गर्म तेलों यानी कपूर, नारियल, लहसुन को मिलाकर बनाए गए तेल की देर तक मसाज करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना सवाल हमें भेजें। धन्यवाद।